नमस्कार, आपके सामने एक रॉयल इनफील्ड की गाड़ी चमचमाती दिख रही है। इस गाड़ी में बहुत सारा लाइट बिल कर है। आपको लगता होगा कि कोई स्पोर्ट पर्सन का है या कोई ऐसे शौकिया इसको बनाया है, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि न ये शौकिया बना हुआ है, न ये किसी एक्सपोर्ट पर्सन का है, बल्कि ये डॉक्टर दिनेश ने इसका इजाफा किया हुआ है और इसको संचालित करने वाली इनकी टीम है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके एक नंबर है 1443014430। ये नंबर आपको किसी भी आपात स्थिति में कहीं भी कार्डियक अरेस्ट होता है, कहीं भी हार्ट अटैक होता है, उसके लिए बाइक हर गली मोहल्ले तक जाएगी। हमारे साथ मदन भी है, डॉक्टर श्याम भी है, ये सारे लोग मिलकर आज अंदरा भवन के प्रांगण में इसका उद्घाटन कर रहे हैं। और कहीं भी आप हैं, अगर समाज सेवा से जुड़े हुए हैं या आप सामाजिक हैं, सामाजिक नहीं भी हैं, कहीं रास्ते में चल रहे हैं, और दिल्ली जैसे शहर में अगर भी कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है, तो उसके लिए नंबर याद रखिए 1443014430। अब मैं थोड़ा सा इसके विषय में डॉक्टर श्याम से जानना चाहूँगा कि ये क्या है। मैं एम्स से हूँ, हमने डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में जो इमरजेंसी मेडिसिन होता है उस डिपार्टमेंट से इमरजेंसी मेडिसिन नंबर, तो केवल हार्ट में जब इमरजेंसी आते हैं तब हमें इस नंबर पर कॉल किया जा रहा है। आज ये ऑलरेडी चल रहा है, लगभग 2 साल से चल रहा है, लेकिन अभी सुविधा ये है बढ़ गया है। पहले यह था केवल 5 किलोमीटर तक रेंज में हम ये सुविधा दे देते हैं। आज तक आप जानते हैं कि जब भी इमरजेंसी आता है एम्बुलेंस को कोई बुलाते हैं, एम्बुलेंस में जब तक लेके जाएंगे और जब हॉस्पिटल पहुँचेंगे तो क्यू में जाना पड़ता है उनको, इमरजेंसी में भी क्यू में जाना पड़ता है। वो क्यू भी मिटाने माना उसको हटाने के लिए और इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी हो जाए, इसलिए हम ये बाइक का एम्बुलेंस बाइक सर्विस करके हम ये लाए हुए हैं। और आपको आश्चर्य की एक बात भी बता देंगे, ये सुविधा दिल्ली के लिए लागू हो रहा है अभी और ये इंडिया में पहली बार आई है। एक इंजेक्शन दिया जाता है हार्ट अटैक में, जो इंजेक्शन केवल ICU में दिया जा रहा है आज तक की पूरे मेडिकल फील्ड में इंडिया में, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो आज तक। लेकिन अभी ये जब से प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, ये आयरलैंड से एक मेडिकल ऑफिसर आए थे, उनसे हम ट्रेनिंग भी लिया है, उसके बाद से अभी ये प्रोजेक्ट जब से शुरू हुआ है तब से हम ये इंजेक्शन सर के पास या जहाँ पे भी पेशेंट हो, जैसे रोड में चल रहा है, अच्छा छाती में दर्द हो गया, इमरजेंसी हो गया, तुरंत इस नंबर पर कॉल कर रहे थे हम, वही उसी जगह पर पहुँचेंगे। कोई भीड़ में चल रहा है तब चेस्ट पेन हो गया या कहीं ऑफिस में बैठा है, होटल में, कहीं पे भी हो, इसी जगह पे हम पहुंच रहे हैं और वहाँ पे ये इलाज कर रहे हैं हम। ये सडन ट्रीटमेंट इसलिए करने से ये फायदा है कि हार्ट जो डेथ होता जाता है उसका सेल्स वो बच जाएगा और पेशेंट का जान भी बच जाएगा। इसके बाद हम पेशेंट को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, फिर बड़ा एम्बुलेंस में, क्योंकि बाइक में तो नहीं लेके जा सकते हार्ट पेशेंट है, तो बड़ा एम्बुलेंस कैट्स एम्बुलेंस हमारे साथ टाई अप है, कैट्स एम्बुलेंस पीछे आ जाएगा, वो पेशेंट को शिफ्ट किया जाएगा एम्स में। अब एक सवाल होता है कि इनके पेशेंट चाहता है कोई दूसरा अस्पताल जाने का, तो उसके लिए भी सुविधा है कि हम ये ट्रीटमेंट केवल इमरजेंसी के लिए रखते हैं ताकि पेशेंट का जान बच जाए करते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद हम क्या करते हैं, वो कैट्स एम्बुलेंस में बिठाने के बाद हम पूछते हैं कि आपको कहाँ जाना है, या कोई भी उसका कोई भी नहीं है माना जानने वाला या डॉक्टर्स कोई रिलेटिव ऐसा कुछ नहीं है, तो उनको हम एम्स लेके जाके तुरंत एडमिशन डायरेक्ट एडमिशन करवा के ट्रीटमेंट हो जाते हैं। वही उसको पेशेंट या कोई रिलेटिव भी हो सकता है डॉक्टर्स मैक्स हॉस्पिटल में या कोई, वो बोलते हैं कि नहीं सर हमें वहाँ छोड़ दीजिए, फिलहाल इमरजेंसी के लिए आपको बुला लिया, हम वहाँ जाना चाहते हैं, तो हम वो भी सुविधा दे रहे हैं। उसको जहाँ चाहिए वहाँ पे हम अवेल जाके उस डॉक्टर को पहले हम हैंड ओवर करके डॉक्टर को अच्छी तरह समझा के एडमिशन करवा के फिर हम वापस आ जाते हैं, ये सुविधा भी चल रहा है। आज के दिन सबको पता है तेलंगाना फार्मेसी नहीं है, ये आपका बहुत काम कर रहे हैं, छोटे हम लोग भी नहीं कैम्प किया है, डॉक्टर नीलम नितिन सत्य थे फ्री में डिजिटल प्राप्त हुए हैं, सब पर किया गया और जो भी जितने भी लोग आ जाए हम सब तरीके से वो लोगों का फ्री बेड चेकअप और नॉर्मली लाइफ स्टाइल की चीज़ भी सब समस्या होती है। एक तो उनका चेक भी किया गया, उनका प्रिवेंटिव केयर मेडिसिन और आगे क्या करना है उसके बारे में जानकारी दिया गया। मेरे साथ डॉक्टर हरीश जो एम्स की पूरा टीम हमारा साथ था और CPR जैसा देखो जो बाइक के बारे में बात किया है, गोल्डन अवर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को भी चेस्ट पेन आ गया तो टीवी में आज सुबह से आपको चल रहा है, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी सिंगर लोग हार्ट अटैक हो जाती है, लेकिन किसी को जानकारी नहीं, किसी को चेस्ट पेन आता है उस आदमी को हम बचा सकते हैं, उसको गोल्डन अवर बोला जाता है। ये बाइक वो गोल्डन अवर है, बहुत बड़ा एक संजीवनी है तो पेशेंट को इमीडिएट उसको रिलीफ मिले। और देखो जब भी बाइक में उठाएगा वर्चुअल क्लिनिक है, ये बाइक में तो पूरा हॉस्पिटल नहीं जा सकता, ICU नहीं जा सकता है, लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट से वर्चुअल क्लिनिक पे जो बातचीत होगा उनसे जो जानकारी ECG और उसको होने के बाद ECG का रिपोर्ट देखते हैं कार्डियोलॉजिस्ट हमारे डॉक्टर हरीश या जो पैरामेडिकल स्टाफ जो ट्रेंड हुआ है
वो लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, उसके बाद उस पेशेंट को या इमीडिएट तुरंत इंजेक्ट देने के लिए, इंजेक्शन के बाद सब पेन किलर हो जाती है और जो कुछ भी उस टाइम में हम दे सकते हैं पूरा मेडिकल किट होता है। उसके बाद जो कार्डियोलॉजिस्टिक का जो वजू पर विजन में ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसके बाद उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट भी किया जाएगा। तो इसलिए हर प्रॉब्लम का एक रूट काज होती है। छोटी सी जानकारी थी, हम आपको उनको बुलाएंगे अपने यहाँ और विस्तृत जानकारी आपको देंगे। आप एम्स से अगर 6 किलोमीटर ग्राउंड है और कोई कहीं भी ऐसी बात आपको दिखती है, कोई घटना दुर्घटना ऐसा दिखता है, तो कृपया 1443014430 पर जरूर कॉल करें ताकि आपका एक सहयोग किसी की जान बचा सकती है। धन्यवाद।